आप सबको मेरा नमस्कार। आज हिंदी सप्ताह समारोह है और आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको बीच दो पंक्ति रखना चाहता हूँ। हिंदी हिंदुस्तान की शान है, हिंदी भारत की पहचान है, देश के कोने कोने में बोली जाती है, अब सभी जगह परचम लहराती है। देश जहाँ मिले हिंदी को सम्मान, वह राष्ट्र कहलाता हिंदुस्तान, वह राष्ट्र कहलाता हिंदुस्तान। अब मैं बात हूँ अपने टॉपिक पर। मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ मिले मुफ्त चिकित्सा, शिक्षा का व्यापार न हो। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ मिले हर हाथ को रोजगार, कहीं भ्रष्टाचार न हो। जहाँ ऊंच नीच जाति धर्म का व्यवहार न हो। जहाँ हो एक भाषा, सशक्त महिला, कहीं जनता का अत्याचार न हो। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ चोरी, नशा, हिंसा, झूठ और व्यभिचार न हो। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ सर्वधर्म समभाव समानता का अधिकार। प्यारे दोस्तों, मैं मेरे सपनों का भारत पर आप सब के समक्ष रखना चाहता हूँ अच्छी तरीके से। एक दिन एक मैंने जब सोया तो मैंने एक सपना देखा, वो भी नींद में नहीं बल्कि जगे सोया, लेकिन नींद नहीं आई और मैंने सपना देखा जहां हर बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल रही हो, जहां हर हाथ में रोजगार हो। ऐसी सरकार, एक ऐसी सरकार जो भारत को समान दृष्टि से संचालित कर रही है, ऐसी तरकीब अपनाई है जहाँ सभी को मुफ्त चिकित्सा मिल रही है, भोजन को कोई तरसते नहीं है, कोई भूख से मरते नहीं है। एक ऐसा देश जहाँ हर व्यक्ति रोजगार पाते हैं और हमारा भारत का अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जा रहा है, देश का GDP उछाल मार रहा है और जहां भ्रष्टाचार तक की बोलबाला नहीं है, जहां लिंग भेद नहीं है, जहां गरीबी का नामो निशान नहीं है, वैसा भारत, वैसा स्वप्न मैंने देखा है जहां महिला अपने एक शक्ति का रूप धारण किए हुए है। एक ऐसा भारत जहां अपराध का नामो निशान नहीं है। एक ऐसा भारत जहां चोरी, चपाटी, झूठ का नामो निशान नहीं है। एक ऐसा भारत जहां लोग गांव से शहर नहीं बल्कि शहर से गांव की ओर आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं और गांव में ही अपना रोजगार इस तरीके से कर रहे हैं कि उन्हें अब शहर जाने की कोई दूर दूर तक आस नहीं है और गांव में ही इतने धन कमा ले रहे हैं कि वो संतुष्ट हैं और देश के विकास में अपना वो योगदान दे रहे हैं। इसके लिए चाहे गांव में खाद्य प्रसंस्करण की व्यवस्था हो चुकी है, कहीं मत्स्य पालन, पशुपालन हो रहा है, डेयरी का विकास इस कदर से हो रहा है कि अब हमारे देश से दुग्ध बाहर निर्यात किया जा रहा है। ऐसा एक पर्यावरण में हम लोग जी रहे हैं जहाँ स्वच्छ हवा मिल रही है, पेड़ पौधे हरियाली लहलहा रही है, खेतों में धान, कहीं गेहूं तो कहीं हर मौसम में मौसम के अनुसार फसल लग रहे हैं और किसानों की आय दिन दुनी रात चौगुनी होती जा रही है। जब 10 रुपये किलोग्राम का आलू 300 रुपये किलो में बिक रहा है, ऐसी तरकीब अपने क्या अपना ही कंपनी ने कि 10 रुपये 10 ग्राम आलू का चिप्स मिल रहा है और लोग बड़े चाव से उसे खरीद रहे हैं और खा भी रहे हैं और देश में अपना योगदान दे रहे हैं, देश के GDP में वो अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जल संरक्षण की बात करें, गंगा को कावेरी से जोड़ दिया जाए और
सिंधु को अन्य नदियों से जोड़ दिया जा रहा है, तो जल संकट की समस्या जो महाराष्ट्र में होती है, उत्तर प्रदेश में होती है, मध्य प्रदेश में होती है, चाहे बिहार के उत्तरी भाग में जहाँ बाढ़ होती है तो दक्षिण में सुखाड़ आती है एक साथ, चाहे वो श्रावण का महीना हो या भादो का महीना हो। वो बात मुझे याद आती है जब अटल बिहारी वाजपेयी ने नदी जोड़ परियोजना की बात कही थी, इससे ना तो कहीं सुखाड़ होगा ना तो कहीं बाढ़ होगा, हर जगह देश में हरियाली छा जाएगी, ना तो जल संकट होगा ना कोई प्यासे मरेंगे। और इस तरह से जल संरक्षण भी होगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना जो मैंने स्वप्न देखा था वह भी पूरा होगा। और सबसे बड़ी बात है राजनीतिक विरोधी यदि साथ दे और जो सत्तासीन है वो भी भेदभाव ना करे, सबको एक समान देखे, चाहे वो गांव हो या शहर, गरीब हो या अमीर, कहीं जाति धर्म ना हो, कहीं छुआछूत ना हो, बस इस तरह से मैं एक भारत सशक्त भारत की बात करते हुए आपसे विदा।